जय श्री राम भक्त जनों, प्यारे भक्तों, ध्यान में उतरने के लिए आपको अपनी आत्मा को जगाना होगा। भक्तों, अगर आपकी आत्मा सोई हुई है तो आपका ध्यान हो नहीं सकता। आपको आत्मा को जगाना ही होगा, क्योंकि व्यक्ति सो रहा है, सोते समय वह क्या ध्यान करेगा, वह क्या सोचेगा, क्या कार्य करेगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा। इसी तरह से जब तक आपकी आत्मा जागृत अवस्था में नहीं होगी, आपका ध्यान हो नहीं सकता है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान में उस परमपिता परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा को जगाना होगा। प्यारे भक्तों, बिना जगाए ध्यान हो नहीं सकता, और आत्मा जब तक जागेगी नहीं, तब तक परमात्मा को उसका साक्षात्कार होगा नहीं। तो जो आपकी सोई हुई आत्मा है, आप उसको जगाएं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आत्मा को कैसे जगाया जाए। भक्तों, आत्मा को जगाने के लिए आपको नाम जप करना ही होगा, क्योंकि बिना नाम जप के यह आत्मा जागृत होती नहीं। क्योंकि जब तक नाम जप नहीं करते हैं, तब तक आत्मा सोई हुई ही रहती है। और जब इंसान नाम जप करता है, नाम जप के प्रभाव से, उसके असर से वह आत्मा जाग जाती है। और जब आत्मा जाग जाती है और जागृत अवस्था में अगर आप ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान फलीभूत होगा। और ध्यान की अवस्था में आपको परमात्मा का दर्शन भी होगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा, और आपको मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आप अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करें, तो आपका ध्यान अवश्य घटित होगा और आपको वह साक्षात्कार होगा जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपने जो सुना होगा, जो आपने सुन करके इस पे अमल करेंगे, और अमल करके आप अपना नाम जप करेंगे और अपनी आत्मा को जगाएंगे, और आत्मा को जगाने के बाद आप ध्यान की प्रक्रिया में उतरेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। जय श्री राम।